हेलो जिंदगी में मैं ऋतु कौशिक इस बार लेकर आई हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता की कहानी बदलते हाथों का सफर। सब बहुत भारी लगने लगा है, जैसे कोई ढलती शाम है जो काली रात की तरफ बढ़ रही है और आने वाला अंधेरा मुझे निगल जाएगा। मुझे रात में सोते हुए अब डर लगता है, चौंकने लगी हूँ मैं। लगता है जैसे छत से टंगा कोई चमगादड़ लगातार मुझे नुकीली आंखों से घूर रहा है, और मैं अगर निश्चिंत हो आंख बंद कर लूंगी तो अपने खून सोखने वाले पंजे मेरी गर्दन पर गड़ा देगा। जैसे इस रात के अंधेरे में जीवन की झिर्रियों से जो थोड़ी बहुत रोशनी आती भी है वो सिवाय मेरे भ्रम के कुछ नहीं। कभी कभी दिन के सन्नाटे में मुझे लगता है मेरे पैरों के नीचे सफेद संगमरमर का फर्श नहीं है, बल्कि सड़ांध मारता गहरा दलदल है। अगर मैं चलने की कोशिश करूंगी तो इसमें धंस जाऊंगी गले तक, पर मरूंगी नहीं। और क्यों नहीं मरूंगी इसका जवाब समझ नहीं आता। कभी शीशे के आगे खड़ी तैयार हो रही होती हूँ तो एक अजीब सी उदासी घेर लेती है, बहुत गहरी उदासी। काजल लगाते हुए अचानक से बहुत सारे चेहरे मेरी आंखों में उभरने लगते हैं, फिर चेहरे पर एक साथ खूब सारी दरारें उभर आती हैं। हाथों की तरफ देखती हूँ तो लगता है हड्डियों से चमड़ी उतर रही है, सीलन भरी पपड़ियों की तरह। काजल हाथ से छूट जाता है। यकीन दिलाती हूँ खुद को कि नहीं तो खूबसूरत है और प्यार के लायक भी, पर अपने ही दिलाए यकीन पर रत्ती भर यकीन नहीं मुझे। खुद के कानों को भी महज जुमले सा लगता है ये प्यार शब्द। होता तो क्या ऐसे खाली होती, ऐसी अधूरी और उससे भी ज्यादा भरी हुई। तमाम चेहरों के बीच पूरी तरह से गुमशुदा हो अपना अस्तित्व तलाश रही होती। तमाम चेहरों के बीच पूरी तरह से गुमशुदा हो अपना अस्तित्व तलाश रही होती। टुकड़े टुकड़े जोड़कर एक ढांचा सजा रखा है अपना। कभी कोई टुकड़ा दरक जाता है, कभी कोई। सब बेमानी है मेरे वजूद की तरह। लड़की ने डायरी बंद करके अलमारी की सबसे निचली दराज में रख दी। इस गहरी उदासी में भी उसे याद रहा कि अगर ये सब घर में कोई और पढ़ लेगा तो यकीनन ठीक नहीं होगा। आज से कुछ रोज पहले वो मिली थी उसी लड़के से, जिसके लिए उसे लगता था कि उसे समझ है प्यार क्या होता है। मुग्ध होना कितना आसान है ना, मुग्ध कर लेना और भी आसान। पर कौन रख पाता है फिर किसी का मन अपने मन और स्वभाव से ऊपर। सब बस उसी पल का किस्सा तो होता है। लड़की बुदबुदाई, किससे बात कर रही है री? किसी से भी तो नहीं, कोई तो था। हाँ शायद, पर दिखता नहीं मुझे वो एक अरसे से। पगला जाओगे कोई दिन, बता रहे हैं हम, अम्मा ये कहकर बड़बड़ाती हुई चली गई। लड़की उस तीन मंजिला हवेली के छत की तरफ चल दी। चांद आज अधूरा ही था। पैर की पायल उतारकर उसने सीढ़ी में रखे तुलसी के गमले में डाल दी। कौन बार बार अम्मा की किचकिच सुने, अभी चिल्ला देंगी। रात भर यूं ही चुड़ैल से घूमती रहना, न सोइयो न सोने दियो, करम जली न हो तो। कभी कभी लड़की का मन करता कि वो चीख कर कहे, जिंदगी कितनी एकरस सी है, कम से कम तुम ही गाली बदल लो। रोज एक ही गाली, करम जली। पर उसे अम्मा से डर लगता था, वो कह ना पाई। वैसे भी उसे पता था ये खीज है, सच नहीं है। छत पर सिवाय सन्नाटे के कोई और न था। चांद में लड़की को कोई मोह कभी नहीं रहा। वो महज रात को थोड़ी रोशनी देने वाला घटता बढ़ता बल्ब था उसके लिए। सो उसने चांद को नहीं देखा। वो छत से नीचे देखने लगी। गली में कुछ लोग अपनी खाट बिछाए कंबल ओढ़े निश्चिंत सोए थे।
या भ्रम था कि वो निश्चिंत हैं, ये भी वो कभी समझ नहीं पाई। सामने देखा तो छोटी सूखी पहाड़ियों की श्रृंखला ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे बहुत सारी बाल वधुएं कहीं धकेले जाने से पहले काली चादर ओढ़े चुपचाप खड़ी हैं। वो अपने इस बेतुके ख्याल पर खुद ही हंस दी। जंगल की तरफ जो छोटा स्कूल था कुछ रोज वहां भी पढ़कर देखा उसने। बच्चों को देखकर और उदास हो जाती कि जाने इनमें से कल कितनों को याद रहेगा, हंसी भी कोई शय होती है। उसने फिर खुद से कहा, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, सब अस्थाई है, क्या सोचना। उसने रात भर घूमकर रात के हर पहर को पिट्ठू के पत्थर में सजाया, ऊंची ढेरी बनाई और सुबह के सूरज का गोला फेंक गिराने ही वाली थी कि अम्मा फिर चीख पड़ी नीचे से, आज भी सोई नहीं ना करमजली। अरे अम्मा, पौ फटते ही चिल्लाने लगी, धनी राम दूध वाले ने दालान में साइकिल स्टैंड पर लगाते हुए कहा। क्या करूं इस मुई करमजली का, तू बता दे कोई इलाज। नास पीटी को यूं चुड़ैल सा मंडराते कितने साल बीत गए, जाने पीछा क्यों नहीं छोड़ती, मुक्ति ना मिलेगी का इसे कभी। रात भर कभी अलमारी कभी छत पर खटर पटर करती घूमे है, फुसफुसाए है, हंसे है, रोए है, जाने कब विदा होगी यहाँ से। अब तो लगे है ये हवेली ही शापित हो गई है, मेरे पीछे ही छुटकारा होई। क्या अम्मा तुम भी अच्छी भली जीती जागती को चुड़ैल बताए दे रही हो। अरे तो और क्या कहूँ, हरकतें तो सारे चुड़ैलों सी है, 10 साल हो गए उस कांड को, ये तो तब से मरा मुर्दा सी ही है, न शादी को राजी हुई और अब तो उम्र भी निकली जा रही है, न कोई और से घुले मिले है, न कहीं जाए है, लगे है सारी उम्र यूं ही छाती पर धरी रहेगी। वो मास्टर जी कितने भले आदमी रहे, इतना समझाए रहे इसे कि चलो बच्चन को पढ़ाए ले, मन बदल जाए, पर ये करमजली 4 दिन भी पूरा न गई। अम्मा वो छोटी बात तो न थी, जिंदा रह गई छोरी ये कम है क्या, वो ही दुख है, इससे तो मर खप जाती तो अच्छा था। रामधनी चुप सिर झुका कर बैठा रहा। इतने में वो भी छत से उतर आई, कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो पीछे से अम्मा दहाड़ी, पायल फिर पटक दी क्या कहीं उतार के। लड़की जल्दी से पलटी और तुलसी के गमले से पायल उठाकर फटाफट पहन ली। अम्मा अब की कुछ न बोली। रामधनी भी अपने दूध के पीपे संभाल कर उठ गया। दरवाजे पर सांकर बजी तो अम्मा फिर पलटी, अरे कौन आ गवा मुंह अंधेरे। मैं हूं अम्मा, अशोक। अरे आ बेटा आ जा, अब की तो बड़े ही दिन में आया। बस अम्मा, या छोरी के लिए खूब चोखो रिश्ता हाथ लगा है। आ बैठ तो पहले, ओ करमजली चाचा आया है, पानी तो ले आ। लड़की ने कमरे का दरवाजा कस कर बंद कर लिया। अम्मा ने मन ही मन और कोसा, फिर बेटे से बोली, कौन लोग हैं। बड़े भले लोग हैं अम्मा, आदमी की पहली घरवाली मर चुकी है, 2 बच्चियां हैं 12 और 14 साल की, मैंने सुगना के बारे में सब बता दिया है, अब की इसकी एक न चलने देना, लोग खूब बात बना रहे हैं, चाचा ने अपनी छोरियां तो ब्याह ली और भाई भावज मर गए तो उनकी बेटी की सुध भी नहीं, अब और नहीं सुन सकता मैं ये ताने। समझती तो सब हूं मैं भी बेटा, पर दंगाइयों ने जाने क्या करा इसके साथ, जाने क्या नहीं, फिर इतने दिन में तो मिली उस कांड के बाद। अम्मा ये सब बता दिया मैंने उन्हें, उनको कोई ऐतराज ना है। अरे बात तो इस करमजली की है, कितनी बार तो समझा लिए, ज्यादा कहूं तो छत पर यूं चढ़ जाए है जैसे अभी कूद मरेगी, दादी हूं कोई सौतेली माँ तो नहीं हूं जो छोरी के जीने मरने से फर्क ना पड़े, मैं तो खुद सहम जाऊं हूं कि के करूं के नहीं। अंदर लड़की सब सुन रही थी, उसने अलमारी की निचली दराज खोली, डायरियों से भरी पड़ी थी, एक बेहद पुरानी डायरी निकाली, पीले पड़ चुके पन्नों वाली, उसके अपने रंग की तरह। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक स्केच था, पेंसिल से उकेरा हुआ। अचानक सब धुंधलाने लगा तो लड़की को एहसास हुआ आंखों से पानी पन्नों पर गिर रहा है। मुद्दत से तो रोई नहीं, पर आज फिर अचानक
उसने डायरी बंद कर दी। नहीं छोड़ दो माँ बाबा, वो लगातार चीख रही थी। मंदिर मस्जिद के उस झगड़े के बाद पूरा देश चल रहा था। लड़की की आंखों के आगे उसके माँ बाप भाई तीनों को जिंदा जला दिया गया। जाने कितने जोड़ी हाथ उसके शरीर पर उस रात रेंगते रहे, नोचते रहे। वो उस विभत्स दृश्य के बाद पहले ही जड़ हो चुकी थी। जब होश आया तो सिर्फ इतना समझ पाई कि अब वो बहुत जोड़ी हाथ एक जोड़ी हाथ में बदल चुके थे। दिन में भूख दबाने को कोठरी में रोटी सरका दी जाती थी और रात में उसको आहार बनना होता किसी की भूख का। अनगिनत निशान थे शरीर पर जले चिमटे के, जो हर चीख के बदले मिलते। फिर किसी रोज कोई बड़े अफसर और सफेद पोशीदा औरतें आईं, किसी नारी निकेतन में उद्धार करने ले गए। लड़की लाश समान थी। उसे जगह बदलने से बस इतना समझ आया कि पिछले काफी समय से बस एक जोड़ी हाथ थे और रोज वही हाथ होते थे। अब नई जगह पर हाथ भी रोज नए होने लगे। कुछ साल यूं ही बीत गए। लड़की को अब भी कुछ महसूस ना होता, न जिंदा होने की कोई अनुभूति होती। वो सच में करम जली है। एक रोज हाथों की एक नई जोड़ी उसके अपने सगे चाचा की निकली। चाचा पहचान कर सहम गया, थोड़ी इंसानियत बाकी थी। अपने घर की बच्ची पहचान कर साथ लेवा लाया। खुद जाने नजरें ना मिला पाता या ये डर था कि उसकी अपनी जवान लड़कियों को भाई की लड़की कुछ बता न दे। उसने उसे सीधे गांव में अपनी अम्मा के पास ही ले जाना ठीक समझा। अम्मा पोती को गले लगा हिचकियों से रोई। गांव हो या जंगल, आग तो तेजी से फैलती है। सबको खबर हो गई, अम्मा जी की पोती मिल गई और किसी नारी निकेतन से मिली है। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसे मुहावरे ऐसी ही परिस्थितियों के लिए ही तो बने हैं। लड़की ने कभी मुंह ना खोला। क्या कैसे और कितनी बार हुआ, क्या कहती, न चेहरे याद थे न गिनती। बरसों बाद शहर से पुरानी याद मिलने आई थी। कुछ रोज पहले उसने हाथ पर हाथ रखा था तो वो सिहर उठी थी। उसे तो अब किसी के छूने से कुछ होता ही नहीं था। फिर लड़के के छूते ही क्यों मन में तन में हलचल हो उठी। हाथों में पसीना आने लगा, पैर बर्फ से हो चले। लड़की मुस्कुरा दी। ये तो 10 साल पहले होता था, यानी अभी जिंदा है वो। सुगना, मैं तो बाहर पढ़ने चला गया था, फिर शादी भी वहीं हो गई। कुछ रोज पहले सालों बाद पुराने मोहल्ले आया तो तुम्हारे बारे में खबर लगी। रहा नहीं गया सो मिलने चला आया। कैसी हो? लड़की ने ठीक में सिर हिला दिया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए? साथ ले जा सकते हो? लड़की ने बहुत उम्मीद से पूछा। लड़के ने सिर झुका लिया। नहीं सुगना, ये नहीं कर पाऊंगा। बीवी है, बच्चे हैं, समाज है, फिर यही इनके बीच रहना है। लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया। लड़का फिर बोला, काश पहले मिल गई होती। कितना पहले? मतलब? लड़के ने पूछा। मतलब कितना पहले मिली होती तो अपनाते, बलात्कारों के पहले या बाद में? लड़के को अंदेशा तो था ये सब हुआ है, पर लड़की के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका मन कसैला हो गया, दिल दिमाग सुन्न हो गए। लड़की हैरान थी, 10 सालों में यह शब्द पहली बार उसकी जुबान पर आया था, बलात्कार। लड़का कुछ नहीं बोला, उठा और लड़की को कस के गले लगा लिया। पर अब की बार लड़की को कुछ महसूस नहीं हुआ, न हाथों में पसीना आया न पैर ठंडे हुए। वो अलग हो गए अब की बार कभी न मिलने के लिए। अरे बोल री, चाचा को क्या जवाब दूं? मुझे भी तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति चाहिए करमजली। कब तक यूं मेरे सीने पर धरी रहेगी? अब तो लोग इस हवेली को भी करमजली की हवेली कहने लगे हैं। यही भूत बन मंडराती रहेगी के उम्र भर? हां कर दो। अम्मा चौंकी, कानों पर यकीन नहीं हुआ। लगा उम्र हो चली है शायद, ठीक से नहीं सुना। फिर पूछा,
क्या बोली? हाँ कर दो, लड़की ने धीरे से कहा और दोबारा छत की तरफ चल दी। उसने हाथों की एक नई जोड़ी के लिए खुद को तैयार कर लिया था।